सबसे पहला सवाल है कि आपके हिसाब से सेल्स क्या है, आर्ट है कि साइंस है? आर्ट। कितने लोग को लगता है आर्ट है? प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट। और कितने लोग को लगता है साइंस है? चलिए, जिनको लगता है आर्ट है वो मुझे बताएंगे आर्ट कैसे है, सेल्स आर्ट कैसे है? बेचने की कला और सेल्स आर्ट कैसे है? समझो, अभी तक सेल्स की, देखो समझे, अगर लॉ पढ़ना हो तो कहां जाना पड़ता है? लॉ स्कूल। इंजीनियरिंग पढ़ना हो तो इंजीनियरिंग स्कूल, राइट ना? अगर आपको मानो कि सीए पढ़ाई करनी हो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो क्लासेस जाना पड़ता है। सेल्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन सेल्स के बिना कोई ऐसी कंपनी जो चल जाएगी, तो सेल्स का इंस्टीट्यूट है क्यों नहीं? क्योंकि हम, समझो, सीए को हम साइंटिफिक लैंग्वेज की तरह बात करते हैं कि सीए के पीछे एक साइंस है। सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एक साइंस है, राइट ना? लॉयर बनने के लिए साइंस है, डॉक्टर बनने के लिए साइंस है, लेकिन सेल्समैन बनने के लिए साइंस नहीं है। और ये चीज आज से पहले शायद हमें किसी ने बताई भी नहीं। तो आज हम ना जरा सेल्स को अलग तरीके से देखेंगे। आज पता है, एक सेल करने वाला बंदा जब मार्केट में जाता है तो अपनी खुद की इमेज पता है क्या लेकर जाता है? हूं तो सेल्समैन छो या नानो सेल्समैन छो, अपनी खुद की इमेज वो डाउन करके जाता है और अपने आप को एक छोटा सा इंसान समझ के रख लेता है। समझो, अपनी खुद की जो इमेज होती है ना उसके माइंड में, वो बहुत लो होती है। जब कोई आपको पूछता है आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो? प्राउड से बोलते हो कि जब कोई बोलता है कि आप क्या करते हो तो आप क्या बोलते हो? समझो, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो खुद की इमेज है ना वो बहुत छोटी है। बट इस इमेज को आज मैं बदलने की कोशिश करूंगा। समझो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सेल्समैन के बिना चलेगा। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो सेल्समैन के बिना चलेगा, लेकिन सेल्स को इतना छोटा जॉब बताया गया है, इतना उसको दबाया गया कि कोई बंदा एक अगर जो सेल्स करता है तो अपना इंट्रोडक्शन देते समय ऐसा बोलता है, सेल्स करो छो आ कंपनी में, सेल्स में छो। बस पहले इस वर्ड को चेंज करो, यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन, आप एक छोटे इंसान नहीं हो। आपके कारण तो पूरी इकोनॉमी घूम रही है, पूरी इकोनॉमी आप घुमा रहे हो। एक प्रोडक्शन करने वाला बंदा सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है और जब तक बिकेगा नहीं इकोनॉमी घूमेगी कैसे? आप पूरी इकोनॉमी चलाते हो, तो आप इस पूरे देश का सबसे बड़ा, कहते हैं ना, शरीर को टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? रीढ़ की हड्डी। समझो, आप और रीढ़ की हड्डी हो इस इकोनॉमी की। एक सेल्समैन पूरे देश की, पूरे कंट्री की रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी कमजोर, जिस देश की भी पड़ती है उसकी इकोनॉमी गिर जाती है। जिस भी देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ती है उसकी इकोनॉमी गिर जाती है, और आप वो रीढ़ की हड्डी हो एज अ सेल्समैन। तो अपने आप को सबसे पहले ये इमेज जो है ना अपने माइंड में अपने आप को लेके उसको चेंज करो। You are not only a salesman, you are the salesman. समझो, आज ठंडी का सीजन है, राइट ना? हम सूरज को क्या बोल सकते हैं? सूरज हम बोल सकते हैं ऐसा? क्यों हम बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि उसके बिना चलेगा ही नहीं। एक कंपनी में सेल्स के बिना चलेगा नहीं चलेगा। यू आर द सेल्समैन, ना कि ओनली सेल्समैन। तो पहले इस इमेज को चेंज करो। तो सेल्स जो है वो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। अभी तक हम अपने आप को क्यों छोटा मान रहे थे? क्योंकि सेल्स के पीछे का साइंस हमें नहीं पता है।
हमें किसी क्लास में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया कि सेल्स के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस होता है। और इसीलिए हमने अपने आप को एक छोटा इंसान मान लिया। एक डॉक्टर जो होता है प्राउडली बोलता है मैं डॉक्टर, जैसो नो। एक इंजीनियर फेसबुक पे लिखता है ER, फिर उसके बाद नाम लिखता है, राइट ना, ही प्राउड ऑन हिज प्रोफेशन। एक डॉक्टर होता है वो DR लगाता है, यस सुनो। एक लॉयर जो होता है वो लॉयर लगाता है, एडवोकेट। हम क्या लगाते हैं? कुछ नहीं। और इससे पता चलता है कि हम हमारे प्रोफेशन को लेके कितना डीमोटिवेटेड हैं। हम एक्चुअल में सेल्स है ना, प्राउड से नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। हमें ऐसा लगता है सेल्स करने वाला बंदा मजबूरी में सेल्स करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक डेटा बताता हूं। आज के समय में जितनी भी पूरी इंडिया, पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करंट समय की मैं बात कर रहा हूं, करंट अभी की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उनके CEO अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने एज अ सेल्स से की थी। आज के समय में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं उन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी, और इसीलिए आज वो अपनी कंपनी के CEO हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्स के पीछे का साइंस समझ लिया था। हमने अभी तक सेल्स कैसे सीखा? किसी ने बता दिया कि भाई ऐसे बैग उठाना है, जाना है, कस्टमर को प्रोडक्ट बताना है। अब उसको कैसे क्यों बताना है, उसके पीछे का साइंस क्या है, हमें किसी ने नहीं बताया। तो हमने जो सीखा उसी को हम कर रहे हैं, उसको कहते हैं आर्ट, समझो। हमने अभी तक जो सीखा, जिससे देखा, जिससे जान पाए, उसी को हमने समझ लिया भाई सेल्स ऐसे ही होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है हमने अभी तक नहीं समझा। आज मैं उसको बताता हूं कि एक्चुअल में सेल्स के पीछे का साइंस क्या है। जानना चाहेंगे? हेलो 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 हेलो, चलिए तो जानते हैं सेल्स के पीछे का साइंस। अब सेल्स के पीछे साइंस जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आज हर कंपनी के अंदर सेल्समैन होते हैं, राइट? आज हर कंपनी में सेल्समैन होते हैं, लेकिन आज सेल्स की सक्सेस का रेशियो आप बात करोगे तो 98% सेल्समैन अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। 98% लोग सेल्समैन जो होते हैं वो अपनी लाइफ में एवरेज रहते हैं। सिर्फ 2% लोग हैं जो अचीवर बन पाते हैं। ये वो 2% की बात कर रहा हूं जो आज के टाइम पे अपनी कंपनी के CEO हैं। ये वो 2% लोग जो आज के समय में अपनी कंपनी के CEO हैं। और ये 98% लोग वही है जिनको सेल्स के पीछे का साइंस नहीं पता है। ये 98% लोग वही है जिनको सेल्स के पीछे का साइंस नहीं पता है, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस चीज को समझो, सेल्स जो है एक इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसकी गहराई अभी तक हमने नहीं समझी, और इसीलिए हम अपने प्रोफेशन को एक छोटा सा प्रोफेशन मान लेते हैं। हूं तो एक सेल्समैन हूं, समझो। और उसकी वजह है मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एक डॉक्टर कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए ये नहीं बोलता हूं एक डॉक्टर, जो प्राउडली बोलता है आई एम अ डॉक्टर। एक लॉयर कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय ये नहीं बोलता हूं तो एक वकील छो, आई एम एडवोकेट। और समझो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर की गाड़ी के ऊपर DR लिखा होगा, सुनो। एक लॉयर के वहां पर एडवोकेट का साइन होगा, ये सुनो। इंजीनियर के वहां पर भी ER लिखा होगा, सेल्समैन का। बिकॉज वी डोंट प्राउड ऑन आर प्रोफेशन, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सेल्समैन, हमारे घर पे हमारी शादी का रिश्ता आता है ना, और हम किसी इंडस्ट्री में सेल्स करते हैं तो हम क्या लिखते हैं अपने रिज्यूमे में, क्या लिखते हैं? सोचो क्या लिखते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है इसको इतना गंदे तरीके से पेश किया है ना मार्केट के अंदर। सेल्समैन कर रहा है मतलब बंदा किसी काम का नहीं है, तभी सेल्समैन कर रहा है। पहले पता है, पहले के टाइम पे जब हमारे पिताजी वगैरह हम लोग छोटे थे, शायद आप लोग को भी ऐसा हुआ होगा, पहले के टाइम पे ऐसा था कि उनके घर में अगर दो लड़के हैं, दो लड़कों ने गवर्नमेंट जॉब, दो लड़कों में से एक ने गवर्नमेंट जॉब ले ली और एक कुछ नहीं कर पाया, तो लास्ट में उसको दुकान डाल दिया जाता था।
तू इसी के काबिल है। ये सुनो, तू इसी के काबिल, तू और कुछ नहीं कर सकता, दुकान चला। और आज के टाइम पे दुकान चला रहा है बंदा है ना, वो बिजनेसमैन है जो इकोनॉमी चला रहा है, और गवर्नमेंट वाला बंदा जो है वो मुफ्त की गवर्नमेंट की रोटियां तोड़ रहा है। तो आज का वो जो माइंड है ना, वो आज का जो थॉट है ना, वो बदल चुका है। एज अ सेल्समैन सबसे पहले अपने आप पे प्राउड करना सीखो, बिकॉज आप रीढ़ की हड्डी हो इस देश की, आपके बिना इस देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। और ये तभी फील कर पाओगे जब उसके पीछे का साइंस समझोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सेल्स हर कंपनी में होता है, लेकिन 98% लोग एवरेज रह जाते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सैलरी और इंसेंटिव, सैलरी इंसेंटिव इसी में रह जाते हैं। और 2% ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, जिनकी मैंने बात की कि आज 90% सेल्समैन जो पहले अपने करियर में शुरुआत जिन्होंने किया था एज सेल्स, आज वो अपनी कंपनी के सीईओ हैं।